फुल क्लीनिंग, हवाबाजी चल रही है फुल। ये पूरा लीकेज है, तभी इसको ठीक कराऊंगा। ये पूरा ऊपर फिल्टर पे गिरा है ना, और कहीं इधर तो दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा। फिल्टर लागे पूरे, देख रहे हो कितने लौंडे लगे, पूरे दुकान के लौंडे लग गए यहाँ पे काम करने के लिए। चार जने अंकल भी लग गए, चंदन भैया भी लग गए, सब इसको करने के लिए, क्योंकि गाड़ी जल्दी से रेडी करनी है। और इसमें भी अभी एक नया चीज़ हो रहा है, वो भी इसी वीडियो में, पहले इसका अलग से बनाने वाला था, अब अलग से नहीं बना पाऊँगा। काम कर रहे हैं, ये पोलो में मैं प्रोजेक्टर डाल रहा हूँ, क्योंकि लंबा जाना है तो प्रोजेक्टर डालने की ज़रूरत है ही। जब मैं क्रिस्टल आई डाल रहा हूँ VI LED, तो ऐसे ये जाएगा, तो ये इसको मैं डाल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा पेट पूजा हो रहा है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, अब भूख भी लगी थी, तो भैया कहाँ ही लेकर आए थे, तो बस अभी इसको चालू करके अपन चेक करेंगे क्या है सीन, फिर हम लोग भी निकलेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं जा रहा हूँ चंदन भैया की दुकान शॉप पे, क्योंकि मैं यार को ये गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि गाड़ी अब सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी में अब सिर्फ कितना ज़्यादा किलोमीटर नहीं बचा है, देखो 2600 किलोमीटर बस गाड़ी चलेगी, मतलब 2600 भी नहीं है ये, क्योंकि मैं जो इसका अपडेट था ये लेट करवाया था, तो ये गाड़ी होगी अभी 1500 के आसपास ही होगी, मैं लग करवा लिया जाए क्या, कुछ कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, सो वाला अपडेट करवा लिया जाए, मतलब अपडेट बोल रहा हूँ यार, सर्विसिंग करवा ली जाए। तो बस अभी निकला हूँ, फिर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ शाम के 5:30 हो गए हैं, तो बस निकला हूँ दुकान से, एक गाड़ी का शूट किया, शूट किया वीडियो बनाया, और अब भाग रहा हूँ मैं सर्विसिंग करवाने, तो मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे चंदन भैया की दुकान पे। तो भैया के यहाँ आ गया हूँ मैं, और अभी तो भाई क्रेन में तो सभी चढ़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से नीचे यहीं कर दूँ, यहाँ कहीं लगा के करवा दूँगा। अरे दीजिए, ये गाड़ी का फ्रेम उतरा हुआ है, इससे बस इसका एक नहीं वासू पूरा उखाड़ के फेंक दिया है, इधर का मस्ती में उखाड़ देती, इसको वापस से नया लगाऊँगा, क्योंकि ये काली अच्छी लग रही है सामने से, है ना। चेक करेंगे एयर फिल्टर और एसी फिल्टर है अपने पास? एसी फिल्टर मिल जाएगा, हाँ डाल देना नया एसी फिल्टर, देख लेंगे ना कैसा। अरे नया डाल देना, आवाज कर रहा है, कर रहे हो क्या? गाड़ी नया ले लो इससे अच्छा है, ये भी डाल देना उसे, देख रहे हो उसको क्यों लगाते अपन? नहीं तो ज़्यादा डस्ट रख देते हैं, तो हो जाता होगा। हेलो, फुल क्लीनिंग, हवाबाजी चल रही है फुल। ऑयल भी ड्रेन हो गया ऑलमोस्ट, ऑयल निकला और कम निकला बोल रहा है, कहीं तो लीकेज होगा, कहीं ना कहीं लीकेज होगा, तभी तो कम निकले। मस्त खाना खा रहा है, पूरा लीकेज है इधर, क्योंकि उस टाइम भी हम लोग को यही लग रहा था लीकेज तो है, अब तो कहीं नहीं दिख रहा है। पूरा लीकेज है इधर, तभी इसको ठीक कराऊंगा। ये पूरा ऊपर फिल्टर पे गिरा है ना, और कहीं इधर तो दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा। फिल्टर लागे पूरे, सो मैनिफोल्ड के पास से ना, वही मैं पूछा भी कौन सी जगह, तो वही मैनिफोल्ड से ना लीकेज है, बड़ा वाला या छोटा वाला नहीं पता, तो इसको तो करवाना तो पड़ेगा, लीकेज होगा तो फिर ऑयल भी कम होगा, क्योंकि एक आध लीटर के आसपास का लीकेज हुआ है ऑयल, तो मैं एक लीटर डाला भी हूँ ऑयल, तो वही है, तो उसमें अगर ऑयल कम रखे तो टर्बो भी किकिंग कम देगा,
वैक्यूम प्रॉपर नहीं बनाएगा टर्बो भी। तो हे गाइस, ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। मैं सैटरडे गया था, सो आज है मंडे। तो उस दिन तो सर्विसिंग करवा लिया था जैसे देखा, उसके बाद फिर मेरा क्या यहाँ वहाँ था, और वो क्या है जो अपन देखा है ऑयल लीकेज जो हो रहा था। तो ऑयल लीकेज अभी मैं सेट कर मतलब ठीक करवा के मेरे को जाना है। तो मैं बोला कि भैया काम करो, एक दिन गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो इससे अच्छा मंडे सुबह गाड़ी ले लो और रात तक हो पाए तो रात तक मेरे को गाड़ी दे दो। तो ये इस टाइप का भी अभी प्लानिंग यही है। सो क्योंकि इनलेट मैनिफोल्ड से ऑयल लीकेज अच्छा खासा है, उसका शायद कोई ऑयल सील कट है जो भी होता होगा उसके अंदर, आई डोंट नो। तो वही है। तो अभी मैं भाग रहा हूँ, चंदन भी है क्या, 10:30 बज रहे हैं सुबह के, और फूफा के साथ आ जाऊँगा मैं रिटर्न। नहा धो कुछ नहीं हूँ, सुबह से सिर्फ दौड़ भाग चल रहा है। ऊपर से आज अकाउंट का भी छुट्टियाँ हो गया है SBI में। मैं सच बता रहा है, SBI को बाइकआउट कर दो भाई, इतना चूतिया मतलब वो है ना बैंक पूरा, उसमें से भाई अब तो मैं पूरा बंद करवाऊँगा और भाई दूसरा अकाउंट खोलूँगा, ना हो पाए भाई। उससे अच्छा HDFC देना बैंक ये सब में खुलवा लो, ज़्यादा अच्छा है SBI से। तो वही है। तो अभी पहुँचते हैं चंदन भैया क्या जल्दी से, इसका काम क्या है जो है, मैं तो छोड़ के गाड़ी आ ही जाऊँगा। भैया को बोल दूँगा, भैया आप वीडियो नॉर्मल बना देना, बाकी अपन ऊपर वॉइस ओवर डाल देंगे, जैसा भी रहेगा अपन कर लेंगे, है ना। सो मिलता हूँ आपको चंदन भैया क्या। चंदन भैया क्या यहाँ पे गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, भैया बोले 2-3 बजे एक बार आओ, अभी तो कुछ काम होना नहीं है, अभी तो खोलेंगे बोलेंगे। तो भैया को बोला कि भैया आप क्या बोलते वीडियो बना लेना, बाद में मैं बता दूंगा। सो रही तो वही है, फूफा जी द ग्रेट हमारे साथ है। फूफा को बोलो यार आप लोग कि नया गाड़ी ले साला, कमेंट करके बताओ कौन सी लेनी है। मत बताना, कमेंट करके सीधा बोलना फूफा गाड़ी खरीद, गाड़ी तो ऑप्शन देंगे ना। अरे ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ना तेरे को। अच्छा बताओ ऑप्शन बताओ, अब वीडियो में थोड़ी बताऊंगा सब, एक उसी दिन सब थोड़ी पहले ही थोड़ी बता देंगे। हाँ ऐसे अनवील कर देंगे, गाड़ी थोड़ी देर से वापस मिलता हूँ, थोड़ा कट में वीडियो बन रहा, लेकिन यू नो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर मज़ा नहीं आता, तो इससे अच्छा कट टू कट वीडियो बनाता हूँ। अभी गाड़ी के पास आया हूँ और हो गया पूरा काम, ऑयल वॉल लीक है कि नहीं अभी चेक कर रहे होंगे, इसलिए गाड़ी चालू ही छोड़े हुए हैं। कूलेंट भी अपना अच्छा खासा भरा हुआ है, ज़्यादा ही भरा हुआ है मैक्सिमम पे, क्योंकि आवाज़ तो ठीक है गाड़ी का, कोई अलग साउंड नहीं है। डीजल नहीं है बस, डीजल डलवाना है, बाकी तो ठीक है। हल्का से टर वाली आवाज़ आ रही है, कट 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 कट, तो देखता पूछता जब बंद रहती है करके अपन को पता नहीं चलता होगा, लेकिन कुछ सही चला गई मेरे को गाड़ी। बाकी भैया से बात करता हूँ क्या सीन है। शाम क्या रात ही हो गई है, 7:30 हो रहा है और भैया के यहाँ मैं आऊँ। एक्चुअल में यहाँ होगी तो ज़ोरदार बारिश थी, मेरे पास तो बाइक थी तो फिर मैं आ नहीं पाया, तो बोला चलो ठीक है। तो अभी भैया बोले एक बार चला के देख लो कैसा लग रहा है आपको गाड़ी चलाने में, उसके बाद अपन फिर आगे करते हैं क्या है सिस्टम। तो ये देखो उस टाइम वीडियो बना था 0.1 किलोमीटर भैया चलाए हैं, अब लेट्स सी कैसा क्या चला है, देख लेते एक बार चला के आपको बताता हूँ। हाँ तो अभी ये राउंड पे आया था मैं, मतलब पहले बिना रिकॉर्ड किए गाड़ी चला के देख लूँ, तो अब तो गाड़ी सही चल रही है, अब कुछ भी मतलब कटीर पिटर पुटर पुटर कुछ भी नहीं आ रहा है। सो कुछ भी कटर पुटर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, बढ़िया एकदम चल रही है। और पिकअप जो थोड़ा सा टूट रहा गया था ना वो आ गया, वो मेरे हिसाब से ना वो उसी का होगा, ऑयल का होगा, ऑयल प्रेशर प्रॉपर नहीं आता ना, इसमें ऑयल भी रहता है ना, वैक्यूम जो रहता है। तो अब बढ़िया चल रही है गाड़ी, अब जाता हूँ भैया से पूछ लेता हूँ क्या क्या किया आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में वीडियो बना नहीं पाया तो थोड़ी बहुत क्लिप जो है, भैया भी ज़्यादा क्लिप बनाए नहीं भूल गए करके, सो छोटी छोटी 3-4 सेकेंड की वो मैं ऐड कर दूँगा। और अभी बाकी भैया से बात करते कितने का बिल हुआ, सर्विसिंग का कितना लगा, क्या है क्या नहीं, सब आपको मैं बताता हूँ। अभी भैया कितना खर्चा क्या है, चल रहा है अपना
वो तो भाग गया। अभी ये कुछ 7200 का बस बिल बना है, ज़्यादा बिल बनाए नहीं है। ठीक है, 7000 रुपये इस गाड़ी के हिसाब से। चलो ऑडी से थोड़ा सा सस्ता है, 3000 सस्ता है, 2000 सस्ता है। ठीक है, ये तो बनाते हैं और अपना काम भी एक्स्ट्रा हुआ, सर्विसिंग होता तो कम ही होता, 2000 और कम हो जाता कुछ। मेरा ये जो ऑयल लीकेज था, वो जो काम करवाया ना उसका, तो वही है। गाड़ी खड़ी है, धो वो के सब एकदम वॉश वॉश करके खड़ी कर दिया। हाँ, तो ये अपन डाले, ये अभी अपन ठंडी जगह में जा रहे करके ये डाल रहे, नहीं तो ये नहीं डालते। ये अपना ऑयल फिल्टर और ये वाला कूलेंट डलाने के बाद अपन सब चेंज करा देंगे, क्योंकि अपन अभी माइनस डिग्री में जाएंगे करके इसको डलवा रहा हूँ। तो कमेंट में गाली मत देना कि भाई ये कैसे लगवाए हो। वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? अभी आपको लग रहा है मेरा आवाज़ लो है, थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ अभी, क्योंकि गाड़ी वापस लेकर आना पड़े, मेरा क्लच बेयरिंग में से आवाज़ आ रहा है। मैं जब क्लच ब्रेक चेंज करवाया था ना, क्लच ब्रेक चेंज करवाया था तो बेयरिंग में उस टाइम था आवाज़, बट वो ठीक हो गया, तो बोला चलते चलते ठीक हो जाएगा। 10000 चलिए उसके बाद क्लच चेंज होने के बाद। अब बेयरिंग नॉर्मल 10-20 की स्पीड में चल रही है ना, तो कर पूरा आवाज़ कर रहा है। और जैसे कि आपको बीच बीच में बोल रहा था कि जाना है तो बस वही है। नहीं सर, नहीं तो हाँ, तो वही अभी जाना है मेरे को, और लंबा जाऊँगा मैं, बताऊँगा नहीं जगह, तो रास्ते में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वही तभी इसका ये काम कर रहे हैं, और अभी ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बज रहा है। देख रहे, 7 बज रहा है और गाड़ी अभी लिफ्ट में लगा रहे हैं हम लोग। चंदन भैया कहीं आया हूँ मैं, मतलब भैया ऐसा ऐसा बात, चंदन भैया भी जल्दी जल्दी तुरंत मेरे को करके दे रहे हैं। अब भैया बोले कि, और बहुत सारा चीज़ है, मतलब कहीं बिलाई विलाई में जो रहता है और तुमको कुछ करा तो भैया से करवा लेना। जैसे मेरे को ट्रिप में जाना तो बहुत सारा चीज़ भैया बताएं कैसे क्या है, क्योंकि माइनस डिग्री में जाऊंगा तो उसमें दिक्कत आएगा ही आएगा, डीजल है तो उस वजह से। तो भैया भी बोले अभी बैटरी वैटरी खोलेंगे, गियर बॉक्स उतारेंगे, बहुत लोचा है भाई। हाँ यार, पानी तो लीकेज है, लेकिन कहाँ से है? देखा था ना खोल, ये देखा, ये देखिए पूरा पिंक है ना। देख रहे हैं यार, देखो। तो अभी गियर ऑयल पूरा ड्रेन आउट कर रहे, ऊपर से जो भी इसका बैटरी फिल्टर जो भी सब था सब निकाल दिया, ड्राइव शाफ्ट को भी डिस्कनेक्ट कर दिया अपन। और ये एक इसमें मेन वही क्लच बेयरिंग का इशू लग रहा है, गियर ऑयल भी इसलिए ड्रेन आउट कर दिया। ना पड़ेगा भैया लोग को 1 घंटे में इसको उतार दिया, 1 घंटे में, देख लो 1 घंटे में तो 10 मिनट हो गया, बैंक तेजी में उतार लिए। अब बस ये है जो है, ये साला दिक्कत दे रहा है, टूट गया। देखो यही है फसाद की जड़, सॉरी ये फसाद की जड़ है। नया लगा भी दिया अभी शायद, देख करो कितने लौंडे लगे, पूरे दुकान के लौंडे लग गए यहाँ पे काम करने के लिए। 4 जने अंकल भी लग गए, चंदन भैया भी लग गए, सब इसको करने के लिए, क्योंकि गाड़ी जल्दी से रेडी करनी है। और इसमें भी अभी एक नया चीज़ हो रहा है, वो भी इसी वीडियो में, पहले इसका अलग से बनाने वाला था, अब अलग से नहीं बना पाऊँगा, तो वही है। तभी सब एक साथ भिड़ गए, तब मेरे को कल ही जाना करके, आज ही आज, नहीं तो ये कहाँ होता है। देख रहे समय, देख रहे 1 घंटे के अंदर इन लोगों ने सब काम कर दिया भाई, 1 घंटे में मज़ा आ गया। और मेरे धुरंधर भी आ गए, ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं। ये पोलो में मैं प्रोजेक्टर डाल रहा हूँ, क्योंकि लंबा जाना है तो प्रोजेक्टर डालने की ज़रूरत है ही। जब मैं क्रिस्टल आई डाल रहा हूँ VILED, तो ऐसे ये जाएगा, तो ये इसको मैं डाल रहा हूँ। सो मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा सा आधा अधूरा सब हो रहा है, लेकिन इस पर दिखाऊँ भी क्या कि सब नट बोल्ट फिटिंग ये सब, तो ये सब ज़्यादातर लोगों को पता ही है, हम जो जितने मिस्त्री है, तो वही है। तो अभी भैया लोग ने बहुत तेज़ी में किया भाई, मतलब मेरे को लग रहा है और 20 मिनट में ये लोग पूरा फिट कर देंगे, फुल तेज़ी में। और बोल रहे थे कल दोपहर में देंगे, और इन लोग का हाथ देखो, कल मेरे को जाना है करके, आज इन लोग इतना तड़फड़ काम करके दे दिए, और सब लोग भिड़ गए के, तो मज़ा आ गया भाई, मतलब टीम वर्क हुआ आज, टीम वर्क। ये आदमी भी फुल दौड़ रहे हैं, ये लोग भी फुल मेहनत कर रहे हैं, वो आदमी गांव से आके काम कर रहे इधर बैठ के, तो अच्छा लगा कि भाई कि सब लोग इतना कर रहे कि मेरे को जाना है, और चलो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बात है आप लोगों के लिए कंटेंट में काम कर रहे हैं,
तो इसलिए चाहिए सब क्या, थोड़ा सा लाइट वाइट तो चाहिए चाहिए अपन को। तो ये एक चीज़ अपन इसमें डाल रही है, फ्रेम है तो ये अपन डालेंगे। ये जो ओरिजिनल फॉग का जो प्लास्टर है इसको अपन निकाल दिए है ना, और इसको लगाएंगे। अरे संजय भैया इसमें भी एग्जस्टर है साला, एक जितना एग्जॉस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया। टेंशन में था पहले, फिर यहाँ आया तो अभी टेंशन कम हुआ, अब लग रहा है कि हाँ अब मेरे को टेंशन नहीं है ज़्यादा, कि हो गया अपना काम। क्यों संजय भैया ये भी काम हो गया, इधर अपना काम चल रहा है अंकल का, उधर फूफा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। संजय भैया फूफा अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, ऐसी है फूफा फुल लड़कियों के दिल का चोर है फूफा। जी 8:40 हुए, सारी चीज़ें फिट हो गई, मतलब अपना गियर बॉक्स फिट हो गया, ये इसको फिट कर दिया अपन भैया लोग, और बस इसका हो गया। अब ड्राई शाफ्ट डालना है और ऑयल डालना है बस, तो कल वही 9 बजे शुरू करेंगे तो 10 बजे वो काम हो जाएगा। और अभी हम लोग इसको निपटाएंगे, चंदन भी है तब तक यहाँ रुक रहे हैं, और बाकी सब तो चले गए क्योंकि भाई 9 बज गए, अच्छा भी नहीं लगता ना इतना वो करना, करने में तो बोर भी था, फिर मैं अभी बोला कि बहन तो मत करो इतना। तो अब ये लोग दोनों मिलके इसका करेंगे, अब हाइट पहुँचेगा नहीं, देखता हूँ चंदन भी आएगा तो बोलता थोड़ा सा गाड़ी नीचे कर दो तो अपना काम हो जाए करके। तो अभी ये लोग फटाफट करेंगे, इसको चालू करके देखेंगे कैसा इधर फोकस जा रहा है, उसके बाद अपन बाकी का काम करते कल सुबह। बस चले जाए आगे पीछे ना हो क्या, देख रहे चंदन भाई क्या वॉक्स वैगन ही है पूरी। अभी थोड़ा सा पेट पूजा रहा है क्योंकि बहुत लेट हो गया, अब भूख भी लगी थी तो भैया कहाँ ही लेकर आए थे, तो बस अभी इसको चालू करके अपन चेक करेंगे क्या है सीन, फिर हम लोग भी निकलेंगे। 9:30 हो रहा है, अब हम लोग निकल रहे हैं, सुबह आऊँगा भैया लोग भी बस जा रहे हैं। चल तो चलो भैया, हाँ भाई अब मैं देखो मैं कैसे बैठ के जा रहा हूँ, मैं बेचारा देख रहा पालती मार के बैठा हूँ मैं, इसका क्या करूँ जब पता है तीन जन आएंगे जब पता है, उसके बावजूद ये आदमी ऐसे लेकर आया है, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, कुछ मत बोल बेटा, छूतिया बोलूँगा मैं तेरे को। 12:30 हो रहे और ये गाड़ी पूरी रेडी है, बस आखिरी का वो एक मतलब मेरा वूफर का वायर लगा रहे, बाकी तो रेडी हो गई है, हो गया ना पूरा ट्रायल भी ले लिए ना, ठीक है। कहाँ भैया अंदर है, अच्छा बस ये चंदन भी ऐसे बात करता कितना खर्चा क्या है क्या नहीं, फिर मैं भागूंगा घर, मतलब पैकिंग वैकिंग डाल, मतलब गाड़ी तो रेडी करनी है, सामान रखना है सब करना है। सो गाइस एकदम मतलब हेक्टिक डे है, तो एक्चुअल में गाड़ी में खर्चा मेरा बेयरिंग जो है रिलीज बेयरिंग जो क्लच में आता है उसका फॉल्ट था, वो मैन्युफैक्चरिंग उसमें डिफेक्ट था तो वो चेंज हुआ, तो मेरा टोटल 2500 का रिलीज बेयरिंग और जो भी अपना कोल्ड फिटिंग और सब में टोटल ये सब करके इसका हुआ 7200 रुपये का मेरा सर्विसिंग हुआ। और मैंने और उसमें इन जो अपना इनटेक मैनिफोल्ड जो भी इनलाइन क्या मैनिफोल्ड जो है अपना मैनिफोल्ड में लीकेज था तो उसका जो उसमें लगा तो मोटा मोटी 6 के आसपास का सर्विसिंग हुआ और एक 1300-1200 रुपये का अपना मैनिफोल्ड का जो ऑयल सील कटा था वो हुआ, तो टोटल इतना हुआ 9500, मतलब टोटल राउंड फिगर 10000 में अपना गाड़ी का काम हो गया। और मैंने इसमें जो ऑयल है अब क्लियर कर दूँ, ये ऑयल बस अभी ट्रिप मेरे को जो जाना है माइनस डिग्री में उसी के लिए, आने के बाद में वो ऑयल मैं चेंज करवा दूँ, तो मेरे को पता 5W30-40 ऐसे डाल सकते लेकिन इसमें 0W20 में इसलिए ही डाला हूँ। सो यही एक चीज़ है, बाकी वीडियो आई नो थोड़ा सा कट कट के लंबी वीडियो बन गई है, बट क्या करूँ यार काम भी वैसे ही हो रहे थे तो मैं क्या करूँगा, तो बस वही चीज़ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।